अगला सवाल बड़ा अजीब सा आ गया जी। क्या किसी आयत या हदीस से इंसान का अशरफुल मखलूकात होना साबित भी है या ये ऐसी बात बनी है? जी इंसान अशरफुल मखलूकात होना कुरान या आयत जी अशरफुल मखलूकात होने पे इजमा है, इजमा उम्मत है कुरान पाक में, यानी डायरेक्टली इसके इशारे भी मौजूद हैं। लकद खलकनल इंसान फी अहसनी तकवीन, हमने इंसान को सबसे बेहतरीन पैदाइश पे पैदा किया। फिर अल्लाह ताला सूरतुल मोमिनून में और सूरतुल हज में जहाँ पे इंसान की माँ के पेट में जो स्टेजेस हैं वो गिनवाता है ना, उसके एंड पे क्या फरमाता है? तबारक अल्लाहु अहसनल खालिकीन, कितना ही अहसन, तमाम खालिकों से बेहतर खालिक है जिसने इंसान को पैदा किया। यानी अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी क्रिएशन का क्लाइमेक्स करार दिया। फिर मुझे बताएं इस कायनात में मखलूकात में सबसे अफजल जात किसकी है? सैयदुना इमाम आजम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो वो इंसान है, फरिश्ते हैं या जिन है? तो अल्लाह ने मखलूकात में सबसे आला दर्जे की पर्सनैलिटी जो बनाई है वो किस स्पीशीज में बनाई है? इंसानों की स्पीशीज में। बस इंसान के लिए ही शर्फ काफी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने, जैसा नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है सही मुस्लिम में मौजूद है, कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की की नस्ल चलाई है तो सबसे ज्यादा फजीलत कुरैश को दिया है, उसमें भी बनू हाशिम को, उसमें फिर मुझे बनी अब्दुल मुत्तलिब में पैदा किया। तो इसी तरीके से तमाम मखलूकात में जो सबसे बेहतर मखलूक है उसी में नबी अलैहिस्सलाम ने मबूस होना था ना, लॉजिकली स्पीकिंग। तो फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। क्यों? सर मैं साबित करता हूं कि आपके पास वो क्वालिटी है जो जिब्रील के पास भी नहीं है। जिब्रील ने अल्लाह को माना अपनी मर्जी से? नहीं, अल्लाह ने उसको पैदा ही ऐसा किया। और इंसान के पास ये इरादा है जिसकी वजह से वो अपने रब को चूज करता है। इसीलिए आप देख लें कि जन्नत जो है वो औलाद आदम की मिरास है, क्योंकि इंसान अपनी विल से अपने रब को चूज करता है, फरिश्ते अपनी विल से नहीं करते। फरिश्तों के पैगंबर सिर्फ आम इंसानों से अफजल हैं, हर फरिश्ता नहीं। फरिश्ते तो आपकी खिदमत में लगे हुए हैं सर, आपके नाम माल लिख रहे हैं, फरिश्ते आपकी हिफाजत के ऊपर मामूर हैं। सबसे आला क्वालिटी की मखलूक फरिश्ते ही डिक्लेयर हो सकते थे ना, जिन्नात का तो वो स्टेटस नहीं है, जानवरों का वो स्टेटस ही नहीं है। जो हमें नॉन मखलूकात है उसमें फरिश्ते ही है ना, तो फरिश्ते तो आपकी खिदमत में लगे हुए हैं सर। सही बुखारी में हदीस नहीं 2311 कि जो शख्स आयतुल कुर्सी पढ़ के सोता है एक फरिश्ता सुबह तक अल्लाह की तरफ से उस पर हिफाजत के लिए मामूर हो जाता है। कुरान में आया कि हमारे फरिश्ते हैं जो इंसानों की हिफाजत करते हैं, फरिश्ते आपकी खिदमत में लगे हुए हैं, सूरज आपकी खिदमत में है, उसकी तपिश से ग्लेशियर पिघलते हैं और दरिया चलते हैं, जमीन के नीचे भी ऊपर भी, उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी है। सूरज की रोशनी से पौधे जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के जरिए खुराक तलाश करते हैं, अपनी बना लेते हैं, जानवर पाल रहे हैं, तमाम मखलूकात इंसान की खिदमत में लगे हुए हैं, हवा इंसान की खिदमत में लगी हुई है। तो अशरफुल मखलूकात तो हुआ ना, यानी पूरी कायनात ये अल्लाह ने इंसान के लिए पैदा की है। सूरह हूद में नहीं आया कि अल्लाह ताला ने तमाम मखलूकात को जो पैदा फरमाया है ये इसलिए कि ताकि जांचे कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। ज़मीन और आसमान को 6 दिनों में पैदा किया ताकि जांचे तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। इंसान के लिए सारी मखलूकात पैदा हुई हैं, और इंसान किसके लिए पैदा हुआ है? अल्लाह के लिए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने जिन और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। सर इंसान का बड़ा मर्तबा है, जिसने सवाल किया उसे क्या अपने मर्तबे को पहचाने। लेकिन अली भाई ये जो फरिश्ते हैं या इवन जिनात भी करने, इनकी जो ताकत है उसका तो सोमा हिसाब इंसान के पास नहीं। सर ताकत जो है वो इस दुनिया तक है ना, ताकत तो इंसान की बनाई हुई चीजों के पास भी ऐसी है जो और लोगों के पास नहीं है। किसी जिन ने बोइंग 747 बनाया या एयरबस A380? ठीक है, जिन्नात तो गोबर में जिन्नात की गिज़ा है जो जानवरों का गोबर है। हदीस नहीं है अबू दाऊद के अंदर, सुन निसाई के अंदर, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया के पास कुछ जिन्नात है, उनका अपनी उम्मत को मना करें कि गोबर और हड्डियों के ऊपर पेशाब ना किया करें, हमारी खुराक इसमें रखी हुई है। ठीक हो गया जी। तो ये ताकत जो है ना, ताकत को अगर क्राइटेरिया मान लिया जाए ना किसी के अफजल मखलूक होने का, तो सर फिर सबसे थकी मखलूक तुसी हो। चिड़िया उड़ सकती है शायद, तुसी उड़ सकते हो तो फिर तुसी कह दो चिड़िया तो अफजल है।
کتے کی سونگنے کی حس انسان سے 40 گنا زیادہ ہے، تو کتا بھی پھر انسان سے افضل ہو گیا. عقاب جو ہے 2 کلومیٹر سے 1 سکوئر انچ کے اوپر کیڑا لوکیٹ کر لیتا ہے، 2 کلومیٹر. تو عقاب بھی آپ سے بہتر ہو گیا. ہاتھی پاؤں زمین پہ مار کے 40 کلومیٹر تک کمیونیکیشن کرتا ہے دوسرے ہاتھیوں کے ساتھ صرف پاؤں کی آواز سے. اے میں شڑولا نہیں جی مار رہا ہے، اسٹیبلش سائنس جے. آپ کا موبائل 10,000 کلومیٹر الیکٹرومیگنیٹک ویوز کے ذریعے کمیونیکیشن ہو رہی ہے، لائیو میچ افریقہ سے دکھائے جا رہے ہیں آپ کو. یہ تو آپ نے دیکھ لیا ہے، بزرگاں نے تو پتہ نہیں کرنا سی کہ نہیں، انگریزاں نے کار چھڑا جی بڑے بزرگاں نے، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ساری مادی ترقی ہے، اللہ نے ہمیں ڈومین ایسی دی ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں، شیر میں زیادہ طاقت ہے انسان میں؟ شیر میں، ہاتھی میں زیادہ ہے کہ انسان میں؟ لیکن بظاہر ہے نا، لیکن سارے جانور انسان دے تھلے لگے ہیں. جب شیر کو شکار کرنا ہوتا ہے کسی گورے نے، تو کیسے جا کے جیپ کھڑی کرتا ہے، جا کے ایک مار دا اور ڈما پیا جائے شیر. اگر اس میں عقل ہو تو پہلے ہی نہ بھاگ جائے. اونٹ میں کتنی طاقت ہے، ابھی قربانی آنے والی ہے نا، تو اونٹ لا کے آپ نے باندھے ہوئے ہیں، وہ بھاگتے تو کوئی نہیں ہے. ورنہ اگر انسان جتنی عقل ہو تو نس جان کہ یار منو کون لگے نے، انسان کو پتہ چل جائے تو بھاگ نہ جائے. تو یہ ساری مخلوقات اللہ نے انسان کے لیے مسخر کر دی ہیں، یہ بظاہر طاقتور ہیں لیکن یہ انسان کی ایک چٹکی کی مار ہیں یہ ساری مخلوقات. آپ کے پاس اگر ایک گن ہو اور ایک شیر سامنے سے آ جائے، ہوں دسو کون طاقتور ہے؟ شیر کے تسی ہاں نہیں، گن آپ اس کو بھی دے دیں شیر کو کہ ایک گن تیری ایک میری، پھر کون طاقتور ہے؟ پھر بھی تسی ہو. اس لیے کہ انسان کو اللہ نے جو عقل دی ہے نا میرے بھائی، اس عقل نے انسان کو اتنا طاقتور کر دیا کہ انسان سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، کوئی کیپیبلٹی والا نہیں ہے. شیر آج سے جو 1000 سال پہلے کا شیر تھا، آج بھی وہی شیر ہے بےچارا، لیکن انسان وہ نہیں ہے. انسان نے تو ہر چیز کنٹرول کی ہوئی ہے. شیروں کی مجال ہے، مگر مچھوں کی مجال ہے. آپ دیکھ لیں ڈسکوری اینیمل پلانٹ کے اوپر، شیروں نے کوئی جہاز بنایا تو تہاڈے کسی بزرگ نے کوئی بنایا جہاز اڈنے والا؟ ہاں بزرگاں دے مزارات تے جہاز اڑ رہے ہوندے نے سوٹے لانے والے.